दोस्तों देखिए अभी सभी लोग जो धान रोप रहे हैं, अभी जो है धान रोपने हो रहा है। तो गाइस अभी जो है देखिए बारिश आया, हम अभी धान रोपते रोपते हम लोग के खेत में कितना आम फर गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग हैं अपने पुराने वाले घर पे, और जैसे कि आप सबको मैंने कल बताया था कि हम जाने वाले हैं घर पे, तो आ गए फाइनली अपने पुराने वाले घर पे। देखिए हमारा पुराना वाला घर है जो कि न्यू घर चौक पे बन रहा है, आप सबको बताए थे। और आज से जो है हमारा धान रोपनी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी धान रोपने के लिए, सुबह में जो है बिया काट के आए हुए हैं, तो अभी चल रहे हैं धान रोपने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना देखने के लिए कैसे कैसे हम लोग जाते हैं खेत में धान रोपते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा कौन कौन रोपने जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा घर, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। इधर जो है बोरा ले लिया, इसमें बिया कसना है, ठीक है। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, हम चलते हैं अभी। हेलो गाइस, तो देखिए अभी हम लोग जो है पहुंच गए बिया के खेत में। ये है बिया, देख सकते हैं धान का। और अभी जो है जो बिया हम लोग काट के गए हैं, मतलब उखाड़ उखाड़ के मुट्ठी बांध बांध के इसको जो है बोरा में कसना है। और फिर उधर भी है, देखिए इसको जो लेके चलना है खेत में। तो गाइस अभी जो है हम लोग बोरा में कसते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है चलेंगे हम लोग लेके कहाँ, तो जो लेवाट हुआ है उस खेत में। देखिए अभी कैसे बोरा में रखा रहा है। अरे वैसे मत रखो यार, घुमा घुमा के रखो, घुमा घुमा के, ठीक है। तो ये मार्चा है, देखिए अभी अच्छा से पकड़ता है उसको। गाइस देखिए अभी एक बोरा में जो है पैक हो गया बिया, और दूसरा बोरा जैसे हम लोग खोलने गए, ये दिखाओ दिखाओ बोरा कैसा है। ये देखिए इधर से जो है उधर दिख रहा है, इस बोरे में कैसे कसाएगा आप ही लोग बताओ। इधर से डालो, उधर से निकालो, इधर से भी छेद, दोनों तरफ से जो इसमें छेद है। देखिए अब इसमें कैसे रखाएगा बताओ। चलिए उसमें रखो, बोरा लिया। तो दोस्तों अभी पैक हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे बिया दोनों साइकिल पर लदा गया है। और अभी जो है हम लोग चल रहे हैं, चलो हम नहीं लोग लौका देंगे, अभी हम लोग चल रहे हैं। गाइज अभी जो है हम लोग पहुंच गए हैं खेत के पास, मतलब उधर हम लोग का खेत है, और यहीं पे साइकिल लोग देखे, क्योंकि देख सकते हैं इधर बहुत पाकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत पाकी है। और हम लोग को जाना है वहाँ जो गन्ना दिख रहा है ऊँखी, वहाँ जाना है। और इधर हम लोग बिया उतार दिए हैं, तो अभी जो है हम लोग चलते हैं, उठाओ चलो गाइज। तो अभी जो है लेके चलते हैं, और एक बोरा तू लेके आ जा, ठीक है। तो गाइज देखिए बोरा लेके आ गए लोग खेत के पास, और ये खेत है देखिए, कली लवाट हो चुका है, देख सकते हैं ये है। फिर हम लोग रोपनी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए गावा कैसे ले आता है, पहले जो है बीच में जो है ले जा करके थोड़ा सा जो बिया रोप दिया जाता है, उसके बाद फूल चढ़ा के और वो जो अक्षत उछत चढ़ा के पूजा किया जाता है। तो वहीं पापा जी हमारे कर रहे हैं, देखिए बीच में ले जाकर थोड़ा सा रोप दिए हैं, उसके बाद जो है पूजा कर रहे हैं। अब जो है गावा लिया गया। गाइस अभी देखिए खेत में हम घुस रहे हैं, ये लेवाट हुआ है पाकी इसमें, और देखिए उधर चला गया लो रोपने के लिए, और ये अभी इधर है, चलो ये देखिए धान रोपनी होता है पाकी में। इधर गावा लिया है देखिए। तो देखिए अभी संजय प्रजापति कैसे धान रोप रहा है, आप लोग देखिए आप लोगों के सामने जो है कैसे रोप रहे हैं। गाइस देखिए अभी जो है धान रोपने हो रहा है, और हम लोग जो है धान रोपने के लिए आए हैं। देखिए ऐसे रोपाता है, देखिए बिहार में धान ऐसे रोपाता है, आप लोग के इधर कैसे रोपाता है। और अब जो है देखिए सभी लोग जो है हम लोग एक साथ रोपनी कर रहे हैं, अभी शुरुआत किए हैं इधर से, और एक हमारा भाई जो है कैमरा कर रहा है, और हम पाँच लोग जो है रोप रहे हैं धान। तो गाइस अभी जो है एगो पार हो पा गया, देखिए इधर माँ भी जो है धान रोप रही है, देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं। और अभी जो है हम चल रहे हैं दूसरा पार धरने के लिए, क्योंकि एक जो पार लगा दिए, और दूसरा पार सेकंड पार भी जा रहे हैं हम धर ले। देखिए कितना लोग आए हैं रोपनी करने के लिए, सब लोग जो है अपना अपना रोपनी कर रहा है। देखिए इधर अब मौसम जो एकदम आज बहुत बवाल है, सुंदर है, घाम नहीं लग रहा है, थैंक यू गॉड ऐसा मौसम बनाने के लिए। देखिए गाइस अभी जो है हम लोग का दो खेत रोपा गया, देखिए एगो खेत है और एक उधर था, दोनों जगह रोपा गया। और अभी हम पानी लेके जा रहे हैं, एक और उधर खेत है, अभी उसको भी रोपना है। तो आज जो है चार कट्ठा खेत लेवाट हुआ था, कल ही हुआ, तो आज हम लोग चार कट्ठा खेत जो है रोप रहे हैं धान। दो कट्ठा रोपा गया और दो कट्ठा और बाकी है, तो अब उसमें चल रहे हैं। देखिए पानी ले लिए हैं पीने के लिए, और पसीना देखिए कितना हो रहा है, धूप कबो कबो निकल जा रहा है, तो उसी में बहुत पसीना हो रहा है।
देखिए इधर सब लोग जो है आके बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं लोग छाँव में। और ये खेत है, इसमें भी जो है रोपाई करना है। देखिए इसमें तो पानी सब सूख गया है, कैसे रोपाई होगा जी? देखिए ये सब एकदम सूख गया है खेत, इसको भी रोपना है। देखो गाइज क्या होता है, पानी नहीं है तो क्या, अब कैसा होगा तो रोपना ही पड़ेगा। तो गाइज देखिए अभी धान रोपते रोपते हम लोग के खेत में कितना आम फर गया है, चाह के तोड़ के आए लोग बगीचे में से आम लाए। देखिए हम लोग का इधर ही बगीचा है, तो अभी हम लोग धान रोपते रोपते आम खाने लगे हैं। देखिए और ये कैसा आम है, देखिए ये हमको मिला है खाने के। सो गाइज तो अभी आम खा करके देखिए इतना रोपनी कर दिए लो, और थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन उसी में जो है अभी बारिश आ गया, थोड़ा थोड़ा एक एक करके बारिश आ रहा है। मतलब आदमी भीग नहीं सकता, इतना कम आ रहा है बारिश। बारिश का ज़रूरत है, आता तो इधर सब पानी पानी हो जाता। देखिए सब जो है सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये घाटा है, उधर बादल वहीं आ रहा है और आ जाता मोट। तो गाइज अभी जो है देखिए बारिश आया है मोट, थोड़ा सा मतलब देह भिजाने भर के, तो सभी लोग जो है भीग गए हैं। देखिए और इन लोगों नहा लिया है, हमारा भी इधर पूरा भीग गया। और एक मोबाइल इसमें है प्लोथिन में, और बिया ख़त्म हो गया, और थोड़ा सा इधर बाकी लग गया। देखिए वहाँ से लेके और इतना दूर में जो है बाकी लग गया, तो फिर जो है बिया आएगा तो रोपाएगा। फिलहाल अभी हम लोग घर पे चलते हैं, फिर खाना वाना खा के एक दो आदमी आके रोप देगा, ठीक है। तो ये पूरा खेत था, देखिए माटी कटा था इस साल, इसलिए खाल हो गया है, ठीक है। और उस बोरा में आम है, तो आम भी लेके चलना है। तो दोस्तों अभी जो है पूरा धान रोपाया गया, इधर फाइनल हो गया। थोड़ा सा जो बचा था उधर से बिया मांग के ला लिए हैं लोग 2-3 गो आंटी, और अब जो है पूरा रोपा गया। तो अब फाइनली जा रहे हैं लोग सब कोई घर। चलिए इधर से हम चलते हैं, साइकिल हम लोग का उधर है पाकी में, तो उसको भी अभी निकालना है टांग के, कुदारी ले लो। और दोस्तों आज दिन भर जो है हम हेयर बैंड ये लगाए रह गए हैं, मतलब इसलिए लगाए ना कि बाल जो है ना आँख में आके घुस जा रहा था बार बार, तो लगता था आँख आँख जो है हगवाने इधर उधर करने, तो इसलिए जो है इसको लगा लिया, और बाल जो एकदम फिट रहा अपने जगह पर। और अभी जो है चल रहे, देखिए सब लोग का जो धान रोपा गया। देखो भाई साइकिल को कहाँ रखा है लो, ऊँखी में लिया के रखा है लो, बोले थे उधर रखना तो उधर नहीं रखा लो, लिया के ऊँखी में रख दिया लो। अब जाने में जैसे ले जाने में सब पाकी पता जाएगा, तब हम लोग को टांग के ले जाना पड़ेगा साइकिल को। तो देखो भाई जब साइकिल जो है कैसे टांग के ले जा रहे हैं लो पाकी में से, एकदम टांग लिए लो साइकिल को, अब धनेर पर रख लो, दूभी पड़ जाएगा तो पाकी नहीं लगेगा, ठीक है। गुनाई से टांगल बना। देखो गाइस फिर से जो है सड़क पे टांग के टपाना पड़ रहा है, इधर फिर पाकी था तो इधर भी आ गया सड़क पे। और माँ को देखिए वो कहाँ बैठी है, वहाँ आके बैठी है, देख रहे हो। अब बाइक उधर है, पापा जी लेके आ रहे हैं, और ये वो साइकिल देखो उधर लेके आ रहा है, किधर गया जी? हाँ यहाँ है, यहाँ है। ये वो साइकिल लेकर पुराना वाला साइकिल को लेकर उधर फंसा हुआ है। देखो अभी हम लोग आ गए हैं सड़क पे, और अभी जो है घर जा रहे हैं। गाइज अभी जो है घर पे पहुँच चुके हैं, और अभी चल रहे हैं लोग नहाने, भूख भी बहुत लगा है, तो हम लोग खेत में आम खाए थे तो आम से पेट थोड़ा ना भरा है। चलिए अभी चलते हैं, नहाते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। गाइज अभी जो है नहा लिए, अभी चल रहे हैं खाना खाने, फिर खाना खा के आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। आप लोग बन रहना ब्लॉग में, कहीं जाना भी है, देखिए कहाँ जाते हैं। तो गाइज अभी जो है खाना वगैरह खा के और कपड़ा पहन के, देखिए अभी हम चल दिए हैं साइकिल से, अपने जा रहे हैं सरिसुआ, और सरिसुआ से जो है हम चलेंगे मतलब उधर शांति चौक, और गौरव भाई से भी मिलना है, अंकित भाई से भी मिलना है। चलिए सबसे मिलते हैं, और जो है रील्स बनाना है, उधर एक पुल है ना, पुलिया बड़ा का पुलिया नदी में जो है, उसी पुलिया पे रील्स बनाना है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी अकेले हैं, और सरिसुआ से जो है अंकित भाई के स्कूटी से जाएंगे लोग, हमारा इधर साइकिल है, तो अभी हम साइकिल से चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक कार आ गया हमारे लिए, नहीं किसी और का कार है। तो गाइज अभी देखिए हम दोनों आदमी एक साथ में हो गए, साइकिल जो है रखा गया इनके घर पे, सरिसुआ में इनका घर है, और हम लोग जो है स्कूटी पे बैठ गए हैं। बहुत जाम हो गया यहाँ पे, बहुत ज्यादा जाम लगता है। तो हम लोग चल रहे हैं इधर जो है, बहुत बढ़िया लोकेशन है,
उधर ही चलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, देखे कहाँ पे, शिकारपुर मनरेगा पार्क। और आइए आप सबको दिखाते हैं कि शिकारपुर मनरेगा पार्क कैसा है, तो आप लोग वीडियो में बन रहना देखने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग दो आदमी हैं और शाम का समय है, घूमने आए हैं इधर। ये शिकारपुर पड़ता है ना, शिकारपुर की तरफ आए हैं लोग सरिसुआ से। देखिए घूमते घूमते हम लोग कहाँ आ गए। नहीं नहीं, प्लान था दूसरी जगह, लेकिन यहाँ पे पार्क ही नहीं देखे। हाँ हाँ, बोले थे खुला है शिकारपुर, बोले थे ब्लॉग में, हमें बोले थे कि उधर जाना है पुल के तरफ, लेकिन पुल के तरफ नहीं गए लोग, इधर आ गए लोग। देखिए थोड़ा सा अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। इसमें जो जो जिस जिसने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, सबका नाम है ना, नाम है यहाँ, सबका नाम है, कोई अधिकारी वगैरह है ना, मुखिया है तो कुछ भी है, मंडल पुलिस है, सब मतलब जो जो है ना सबका नाम लिखा गया। देखिए ये बोर्डवा है ना, बोर्डवा पे देखिए, ये जो है यहाँ पे छठ होता है, देख सकते हैं पूरा ये लोकेशन है छठ करने वाला। इधर गांव है ना, वो गांव का पूरा छठ इसी में होता है ना, छोटा सा पोखरा है इसीलिए यहाँ पे छठ होता है। हाँ हाँ, तो गाइस अभी जो है पार्क हम लोग घूम लिए और चलते हैं अभी घर, क्योंकि शाम हो चुका है, 7 बज गया है। तो चलिए अभी चलते हैं, बाहर निकलते हैं। देखिए इधर, और देखिए वो स्कूटी लेके कहाँ चले गए, उधर लेके चले गए, हमको छोड़ के जाना है, हमको लेके नहीं जाना है। चलिए तो अब चलते हैं हम दौड़ के। वाह, बाल तो खूब मस्त झप्पर झप्पर कर रहा है जी। ये देखिए बाइक भी घुमा दी, वहाँ पे देख रहे नेट काम कर, चलिए बढ़िया, देखने नेट काम कर रहा है कि नहीं यहाँ पे नेट थोड़ा क्वालिटी। तो गाइस अभी जो है हम लोग इस पुल पे आए थे रील्स बनाने के लिए, तो अभी रील्स बन चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि शाम हो चुका है। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा, मैं ये वीडियो इनके पास सेंड कर दूंगा। ये जो है आप लोगों को दिखाई देगा, ये थोड़ा इंटरेस्टेड होगा वीडियो में देखने के लिए, तो ये जरूर लगाइएगा आप, ठीक है ना, हम भेजते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए अभी जो है हमारे घर आज जो है गावा लिया है, मतलब कि फर्स्ट दिन जब धान रोपाता है तो उसको गावा लिया बोलते हैं, गावा लिया है। तो आज जो है देखिए क्या बना है इधर, दाल चावल तरुआ, ठीक है, तो ये सब बनता है जब गावा लिया आता है, और बिया गिरता है और गावा पखार होता है, मतलब तीनों तीनों के तीनों दिन कुछ ना कुछ बनता है। तो ये देखिए बना हुआ है, ठीक है, तो अभी रात को कितना 8:30 हो गया है, खाना खाते हैं, ठीक है।